दोस्तों आज हम बात करेंगे लाइफ में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, कभी उनको नहीं भूलना चाहिए। मैं और आप जैसी भी नौकरी कर रहे हैं, आपके अंडर में जो बंदा काम कर रहा है, जो भी आपके अंडर में काम कर रहा है, शायद उसका सपना होगा या आपकी नौकरी को देख के शायद किसी और या कितने लोगों का यह सपना हो सकता है कि मैं भी इस तरह से नौकरी कर सकूं और मेरी भी अच्छी पोस्ट हो और मेरी भी अच्छी एक सैलरी हो। आपने साथ कभी जज नहीं किया होगा, लेकिन आप अपने आप को हमेशा जज करते हैं कि जो मेरी नौकरी है, शायद हम देखते हैं कि सामने वाले पर्सन की सैलरी कितनी होगी और क्या इसकी पोजीशन है, हम उसको देखते हैं कि हम डेली ऑफिस आते हैं तो क्या होता है कि हम टैक्सी मेट्रो से धक्के खा के आते हैं, उसके बाद ऑफिस पहुंचते हैं। अब सामने वाला एक पर्सन है, हमसे ऊंची पोस्ट पे है, पैसा उसका अच्छा है, वो फोर व्हीलर से आता है, आराम से रिलैक्स होकर एकदम हम धक्के खा के आते हैं। ये सारी चीजों के बारे में सोचने के बाद हमारा माइंड जो है टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा जो आपकी नौकरी है, उस नौकरी के पाने के लिए बहुत सारे लोगों का सपना हो सकता है, बहुत सारे लोग उसको पाना भी चाहते हैं जो आप नौकरी कर रहे हो। आपकी लाइफ में आपका जैसा भी घर है, आपका जैसा भी घर है बहुत अच्छा है, लेकिन आप ऐसा नहीं सोचते। आप सामने वाले का घर देखते हो, यार उसका तो घर बहुत अच्छा है, डिजाइनिंग अच्छी है, उसके अंदर घर में कितने रूम है, बेडरूम अलग है, डाइनिंग टेबल अलग है, हर किसी का रूम अलग अलग है, ये सारी चीजें हम फॉलो करते हैं उसकी, उसका देखते हैं अपना नहीं। लेकिन आपका जैसा भी घर है बहुत अच्छा, लेकिन आप क्या सोचते हो, यार मेरे घर में तो 3 रूम है 4 रूम है, उसी में रहना खाना पीना सब कुछ उन रूम में होता है, ना किचन अलग है ना बाथरूम अलग है, कुछ भी डिनर या लंच करने के लिए डाइनिंग टेबल नहीं है, ये सारी चीजें आप देखते हो कि मेरे पास क्यों नहीं है। लेकिन जैसा आपका घर वैसा घर बनाने के लिए सारे बहुत लोगों का सपना होता है और बनाना भी चाहते हैं कि साहब मेरा भी ऐसा घर है, लेकिन आपका सपना दूसरा है, लेकिन दूसरों को देख के आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे की चीजों को देखकर पूरा कभी नहीं किया जा सकता, उसके लिए आपको करना पड़ेगा। आपकी जैसी हंसी है, आप जैसा मुस्कुराते हो, शायद जो लोग डिप्रेशन झेल रहे हैं उनका भी सपना होता है कि मैं भी इस तरीके से हर दिन मुस्कुराता रहूं, ये कभी आपने नहीं सोचा। इसलिए लाइफ में कभी भी कुछ भी करो, पहले तो अपने माइंड को फ्रेश करो, अपने बारे में सोचो कि मुझे क्या करना है, उसके बाद दूसरों की तरफ देखो। अगर दूसरों की तरफ देखते रहोगे तो हमेशा टेंशन रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा, नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट भी होती रहेंगी। लाइफ में अगर खुश रहना है तो पहले खुद के बारे में और खुद की फैमिली के बारे में सोचना पड़ेगा आपको कि आपके पास जो कुछ भी है बहुत अच्छा है। लेकिन आपने कभी एक बात लाइफ में सोची है कि जो लोग फुटपाथ पे सोते हैं, जो लोग कचरा बीनते हैं, प्लास्टिक बीनते हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, वो प्लास्टिक बीनते हैं, कचरा, ये सारी चीजें बीनते हैं सिर्फ किस लिए, एक दिन की रोटी के लिए, 2 दिन की रोटी नहीं, 1 दिन की रोटी के लिए वो प्लास्टिक बीनते हैं। जो अपाहिज है, जिनके पास कुछ भी सहारा नहीं है, उन्हें कोई सहारा देने वाला नहीं है, वो भीख मांगते हैं सिर्फ किस लिए, 1 दिन की रोटी के लिए। ऐसे ही ना कि उनके सपने नहीं है क्या, उनका सपना है, लेकिन उनका सपना उतना ही है कि आज की हमें रोटी मिल जाए, और वो 1 दिन की रोटी कमाने के लिए कुछ भी करते हैं, बैठे रहते हैं कड़ी धूप में बैठे रहते हैं, उनके सपने नहीं है, उनके भी सपने हैं, बड़े बड़ी जिनकी मतलब उम्र हो चुकी है,
50 साल 60 70 साल के बुजुर्ग हो चुके हैं, महिलाएं बुजुर्ग हो चुकी हैं। मैंने उन लोगों को देखा है वो सब्जी बेचती हैं, जिनकी उम्र है घर पे बैठ के खाने की, वो लोग प्लास्टिक बनते हैं 60 70 साल की उम्र में। इससे चला भी ढंग का नहीं जा रहा है, सिर्फ पेट के लिए। कभी आपने उनके बारे में सोचा कि अगर वो खुश रह सकते हैं हम क्यों नहीं खुश रह सकते? हम उनसे तो लाख गुना ऊपर हैं, बहुत ज्यादा ऊपर हैं। तो उनके पास क्या है, एक दिन की रोटी भी नहीं है। अगर वो काम नहीं करेंगे शायद उन्हें एक दिन की रोटी भी, एक टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होगी। उनसे तो हम लाख गुना अच्छे। क्या आपने कभी उनके बारे में सोचा है कि वो कैसे अपनी फैमिली को चलाते हैं, कैसे वो मुस्कुराते हैं, कैसे उनके चेहरे पे हंसी रहती है? तो हमें उनके बारे में सोचकर एक उनसे एक ऐसी मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होते हैं खुद कि वो लोग जब खुश रह सकते हम क्यों नहीं रह सकते। लेकिन हमारा एक मोटिव क्या रहता है, हम दूसरे को देख के कभी खुश नहीं रह सकते। अगर हमें खुश रहना है तो पहले खुद के प्लान बनाने होंगे, खुद के बारे में सोचना होगा, करना होगा, तब हम खुश रह सकते हैं। अगर हम दूसरे की चीज़ों को, दूसरे के स्टैंडर्ड को, दूसरे की हर चीज़ अगर फॉलो करेंगे तो लाइफ में खुश नहीं रह सकते। अगर खुश रहना है तो आपको खुद ही ना खुद कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बड़े बुजुर्ग वैसे भी कहते हैं कि पैर उतने फैलाओ जितने चाहो, लेकिन ये मेरा मानना नहीं है। अगर सपने मैंने 100 मीटर के देखे हैं तो मेरी चादर भी 100 मीटर की होनी चाहिए। अगर मेरी चादर 100 मीटर की नहीं है, अभी हमारी 10 मीटर की है, लेकिन 90 मीटर की चादर जो हमारी कौन बनाएगा, वो मुझे खुद बनानी पड़ेगी। तो अगर आपको सपने पूरे करने हैं तो आपको हर दिन भागना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा। आपका मन हो या ना हो, आपको कर्म करना ही पड़ेगा। मन है तो भी करना, मन नहीं है तो भी करना। अगर आपको मंजिल और अपने ड्रीम्स को पाना है तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करना है तो केवल सोचने से, खोखली बातों से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप दूसरे के बारे में सोचते रहेंगे, उसका देखते रहेंगे, तो आपकी मंजिल मिलने वाली नहीं है। इसलिए कभी उनके बारे में सोच लो जो लोग एक टाइम की रोटी कमाते हैं, एक टाइम खाने के लिए, वो भी तो खुश है, उनसे तो बेटर है। भगवान ने हमारे पास सब कुछ दिया है, अगर उनकी हम सहायता भी कर सकते तो हमें करनी चाहिए। भगवान ने अगर थोड़ा हमें दिया है तो उसके लिए हेल्प भी करनी चाहिए। आपको देने लायक बनाया, आप दान करो, कर सकते हो। मैं ये भी नहीं कहता कि आप दान मत करो, जितना करो कि आप जितना कर सकते हो। अगर आपको देने लायक बनाया है तो आप कर भी सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।